हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू फूड प्रोडक्शन। तो गाइस, आज क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। तो मीठे में हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे तैयार रेवड़ी। तो रेवड़ी जो है कई तरीके से बनती है, जो लेकिन इस समय जो इंस्टेंट रेवड़ी बन जाए हम वो प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 1.5 कप कम से कम फुल क्रीम मिल्क, ठीक है। तो इसको हमने रख लिया गैस पे और अब हम इसको जो है गर्म होने देंगे। पहले एक उफान तक इसको हम आने देंगे, तो और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे जिससे दूध जो है नीचे से चिपके ना। तो देख सकते हैं उफान आ चुका है और हम कर लेंगे अब गैस को हल्का। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मिल्क मेड। मिल्क मेड से जो है जल्दी ये रबड़ी का रूप ले लेगा दूध, कम से कम आधा कप मैंने इसमें मिल्क मेड डाल दिया है। और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हल्की आंच में इसको अब हम पकने देंगे और बीच बीच में इसको हम मिलाते रहेंगे, बिल्कुल भी नीचे चिपकना नहीं चाहिए। सबसे आसान तरीका है ये रेवड़ी बनाने का। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। भी अच्छे से मिला देंगे। और इसी के साथ हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट इसको हम ऐसे ही पकाते रहेंगे हल्की आंच में। वाह क्या बात है, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इलायची की। और अच्छे से ये पक चुकी है और अब कर देंगे हम गैस को बंद और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। और तब तक करते हैं हम अपना अगला स्टेप। अगले स्टेप में हम लेंगे ब्रेड और ब्रेड को जो है हम काट लेंगे एजेस से, और एजेस काटने के बाद हम इसको काट लेंगे ट्रायंगल शेप में। तो हमें करनी है ब्रेड को फ्राई। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और हमें फ्राई तब तक करना है जब तक ये हल्का लाइट ब्राउन ना हो जाए, यानी कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो परफेक्ट ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। और ज़्यादा नहीं इसको हम पकाएंगे, खाली हल्का सा लाइट ब्राउन करके और इसको निकाल देंगे हम प्लेट में। और अब हमें चाशनी में इन ब्रेड्स के स्लाइसेस को जो हमने फ्राई किए थे इसको हम इसमें डुबा देंगे। और डुबा के ज़्यादा देर नहीं रखना है, खाली हल्के थोड़े से देर 1 मिनट इसको रखेंगे। अगर ज़्यादा देर रखा तो ये सारी ब्रेड गल जाएगी और हलवा बन जाएगी। हल्का सा इसमें इसको रख के जिससे ये चाशनी पूरी इस ब्रेड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और अब हम जो चाशनी में हमने डुबा के रखी थी ब्रेड्स को हम इसमें लगा देंगे।
इस तरह से, और ये रख दिया है मैंने। और हमने जो ये रेबड़ी बनाई थी तो वो रेबड़ी ठंडी हो चुकी है, और इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे इस तरह से। और अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में थोड़े देर ठंडा होने के लिए, जिससे जो रेबड़ी है अच्छे से जो है इसमें कोट हो जाए, ब्रेड में अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद करते हैं हम फिर प्लेटिंग। तो लीजिए गाइस, हो चुका है हमारा शाही टुकड़ा तैयार, और आप भी अपने घर में बनाइए और कमेंट करके बताइए ये रेसिपी आपको कैसे लगी। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।